विद्यार्थियों आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट नियम की बात करते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक तो धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम। सबसे पहले हम किरचॉफ के धारा के नियम की चर्चा करते हैं। किरचॉफ का धारा का नियम हमारे लिए समझाता है कि किसी भी परिपथ में नोड या संधि बिंदु पर बहने वाली कुल धारा का मान भी मतलब शून्य के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं परिपथ में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हम इस बिंदु या अपना बिंदु O है, ये नोड या संधि बिंदु है, इस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ I1 और I2 बिंदु O की तरफ आ रही है, जबकि I3 और I4 बिंदु O से बाहर की ओर जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 योग उसका शून्य होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है।